अभी जैसे वो सब कहते हैं कि भगवान कन्हैया के 1600 रानियां थी जी, 8 बियौती रहा जी, मने ये देवताओं में केवल कन्हैया एक ऐसे देवता थे, इतनी बड़ी आयास थे, 1, 2, 4, 10, 20 से उनका पेट ना भरा, 1600 मेहरारू रखे थे। तो उस पर एक आदमी मुझसे कहा कि अरे वो आप नहीं जानते हैं, 1600 नारी का मतलब है कि हर आदमी की शरीर में 1600 नारी होती हैं। तो हमने कहा कि अरे गधे, तब ब्रह्मा विष्णु के पास 1600 नारी शरीर में क्यों नहीं थी, नारद के शरीर में 1600 नारी क्यों नहीं थी, राम के शरीर में 1600 नारी क्यों नहीं थी, केवल यादवों के भगवान के शरीर में तुम लोग 1600 नारी बना रहे हो। एक तो पाखंड फैलाए, फिर दूसरी चीज की अब झूठ बोल करके उसको थोप रहे हो कि नहीं हर आदमी के शरीर में 1600 नारी होती है, लेकिन भगवान कन्हैया के लिए तो तुम लोग ये कहते हो 1600 उनके रानी रह, जब वह मन करो तब वह यही केन मन करो वही केन जाके सुनते जा, 8 उनकी बियहती थी और वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एक शादी उनकी करा दिए जामोन की लड़की जामोनती से। माने इन गधों को यह भी नहीं पता है कि भालू कैसे बेटी पैदा कर सकता है यार, उस जमाने में भालू भी इंसान पैदा करते थे। ग्रंथ इनका बताता है कि जामवंत जी भालू थे, रिक्ष थे जी, तो रिक्ष कैसे बेटी पैदा किया कि भगवान से उसकी शादी हो गई। जामवंत का इतिहास मिलता किस युग में, राम के युग में, कितना लाख साल बाद कन्हैया पैदा हुए, तबले उनका लड़की जन्म के कई लाख जमाने रह भैया। इसीलिए कहते हैं कि दिमाग से जब तक लोगों को पूर्ण रूप से गोबर नहीं निकालेंगे, तर्कमान नहीं बनेंगे, तब तक सत कोई समझने वाला नहीं था। मैं तो ये पूछा वहां उस कार्यक्रम में ही पूछा था कि मुझे आप बताइए कि भगवान का जन्म अगर जेल में हुआ तो बेड़िया टूट गई, पहरेदार सो गए, फाटक खुल गया, जमुना में हेले, जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, तुरंत जमुना जी सूख गई, भगवान थे तो उनको डर किससे थी, डर क्यों रहे थे, और इतनी बड़े भगवान थे कि अहिरे के घर में गई ना लुकाए कि वहां जाइए तो सुरक्षित रही है। ये बारीकी तब पता चलेगा कि जब बाबा साहब अंबेडकर जैसे विद्वानों को लोग पढ़ेंगे, तथागत सम्यक संबुद्ध को जब व्यक्ति पढ़ेगा, तथागत बुद्ध भगवान को पढ़ेगा, तब ये बारीकी समझ में आएगी। रामायण पढ़ने से समझ में आने वाला नहीं है। सर बुद्ध भगवान थे? बुद्ध भगवान नहीं, बुद्ध भगवान नहीं थे, बुद्ध तो इंसान थे सर, लेकिन लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया कि भगवान किसे कहा जा सकता है, उस व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है जिस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई द्वेष कोई भाव न हो। बुद्ध ने पूरी दुनिया में सिर्फ मानवता का संदेश दिया है, मानव मानव एक समान, चाहे वो किसी समाज का, किसी समुदाय का, किसी धर्म का हो, किसी बिरादर का हो। सिर्फ बुद्ध का धर्म एक ऐसा कहता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सारे लोग इंसान है जी, और सारे लोग रोटी खाते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं, 9 महीने में पैदा होते हैं, फिर अपनी उम्र के हिसाब से सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन बाकी चीजों में जैसे हिंदू में बताया जाता है कि आप जो बहुत अच्छा करेंगे, दान पान करेंगे तो मरेंगे तो अगले जन्म में राजा हो जाएंगे जी। अब एक मतलब राजा हो खे भैया तो जो खेती बाड़ी है वो दान भी के करेंगे, बताओ ना, पंडित के ब्राह्मण को दान करिए, किसी गरीब चमार मुसहर को मत करिए, करोड़पति ब्राह्मण है उसको दान करिए, और उसको दान कर देंगे तो अगले जन्म में आप प्रधानमंत्री बन के पैदा होंगे, ऐसा समझाया जाता है इस धर्म में, ऐसे कोई सिद्ध करके बताए मुझे। सर हम फिर आप उसी टैसिट पे आते हैं जो आपने गाना गाया था, उस पे आप बहुत से कमेंट करने वाले कमेंट किए हैं कि सर ये सही नहीं है क्योंकि आप पिछड़े समाज का जगाने काम करते हैं, तो ऐसा मत करिए ताकि जो आपको सुनने वाले चाहने वाले लोग हैं उनके भी
जो सुनते हैं आपको उनको कहीं ना कहीं ठोस पहुंची इस कार्यक्रम से? इस चीज का ठेस पहुंची कार्यक्रम में जाने से, कार्यक्रम नहीं जाने के ऐसी चीज किसी गीत गाने से कि आप गा रहे हैं, कहीं बताते हैं कि देवी दादा सब पाखंड है, सबको बढ़ाए हुए समाज का ये सब काम है, और आप जाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। अरे यार, तो कार्यक्रम करते तो कार्यक्रम में ही बताते हैं ना कि ये सब पाखंड है। अभी 9 अक्टूबर को दशहरा है जी, और दशहरा में मेरा कार्यक्रम लल्लू यादव प्रधान जी हैं देवरिया के, वो ऐसे जगह पर कार्यक्रम करवाते हैं जहाँ चारों तरफ मंदिर है जी, और वहाँ तमाम समुदाय के मेला में किसी एक समाज का व्यक्ति तो नहीं जुटता। वहाँ उन्होंने कार्यक्रम मेरा इसलिए रखवाया कि आएंगे तो समाज को कम से कम जो बात करेंगे समाज समझेगा उसको। अब नवरात्रि है, अब नवरात्रि में दुर्गा जी के 9 दिन सब भूखा ला, दुर्गा जी का पूजा करा ला, नवरात्रि में 9 दिन हमारा कार्यक्रम है, तो लोग इसलिए कर रहे हैं कि नवरात्रि के बारे में आप आके बताइए कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो जाना नहीं चाहिए। हम ये तो नहीं जाके कहते हैं नवरात्रि में कि आदिशक्ति भवानी दुर्गा हिरण के दहीने बसे हैं, ये तो हम नहीं कहते। हम तो कहते हैं कि टोटल पाखंड है सर, कमेंट करते ही नहीं मानते दुर्गा मुर्गा। सर, कमेंट करने वाला भाई जो बहुत ही जबरदस्त कमेंट किया है कि आप पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं जागरूक कर रहे हैं, अपनी कमाई का फंडा बना रहे हैं दलितों। वो सब गधे हैं कहने वाले यार, जो गधे हैं वो गधों के समझ में आएगा हमारी बात। वो लिख दिए मोबाइल पर कुछ भी लिख दिए, बस लिख देने से हो गया। जो हम कर रहे हैं हर किसी के पास हैसियत, इनके जो नेता जिनको नेता चुने होंगे उन नेताओं के पास भी ये हैसियत नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो कर पाए। सर, कहीं ना कहीं कमेंट से लगता है कि वो भी आपको मानने वाला ही है। नहीं, मानने वाला है, वो भी बुद्ध विचारधारा का ही लग रहा है। हम देखिए, हम जो कर रहे हैं अब हम अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे जी, लेकिन जितना इम्प्रेशन हमारे ऊपर है, जितना धमकियां हमारे ऊपर है, हम ये समझ रहे हैं कि हमारी बात सवर्ण समाज के लिए कितनी खतरनाक साबित हो रही है जी। आज हमारा समाज जग रहा है, अपने इतिहास को जान रहा है, इतिहास को समझ रहा है, और इससे सवर्णों को काफी परेशानी महसूस हो रही, काफी उनको दुख हो रहा कि ये तो अपने लोगों को जगा दिए जी, ये तो शंभुक ऋषि बने हैं, कोई कहता है कि ललित यादव बने, कोई कहता है कांशीराम बने हैं, तो हम अगर बने हैं तो अपने महापुरुषों की विचारधारा पर हर आदमी अपने खून खानदान के बारे में अपने लैकन पैकन भाई बंधन के न बताई कि दूसरे खाती जाई बताओ, लेकिन ये क्या कहते हैं ना ना ना, ना अपने लिए मत बताओ, दूसरे के लिए बताओ। हमें करें कि बाबा साहब अंबेडकर से ना कोई बड़ा विद्वान था, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर भारत चल रहा है जी, लेकिन मैं इस देश के सबसे बड़े विद्वान से और सबसे बड़े नेता से जी, चाहे वो पिछड़े समाज का हो चाहे वो अगड़े समाज का हो, वो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे कि बाबा साहब को स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। इस देश में शिक्षा की प्रथम आंदोलन करने वाली बहन सावित्री बाई फूले माता, माता सावित्री बाई फूले, माता फातिमा शेख, उनको स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ये शिक्षा का सबसे बड़ा आंदोलन करने वाला महात्मा ज्योतिबाराव फूले, पाखंड का उजागर करने वाला, मनवाद की रीढ़ को तोड़ने वाला पेरियार रामास्वामी नायकर जो गणेरी समाज के थे, उनको स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या बीमारी इनको है? लेकिन ये स्कूल में पढ़ा दिए, खेत जोतने सीता पैदा हुई। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? तो सवाल ये है भैया, लड़ाई मेरी जो है, अब कमेंट में जिसके जो समझ में आता है कहे, अभी लड़ाई में कितनी जलालत मैं झेल रहा हूं, जितनी मेरे पास फोन काते हैं कॉल आते हैं, अगर सारे कॉल को रिकॉर्ड करके अगर छोड़ दूं जी, तो इस मिशन का आंदोलन करने वाले बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे जी जी, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ता हूं कि बहुत सारे लोगों के हौसले टूट जाएंगे। मेरे पीछे हजारों कलाकार खड़े हो गए मिशन गाने के लिए, लेकिन जितना धमकियां मिलती है मुझे, अगर एक वीडियो जिस दिन जारी कर दिया बहुत सारे कलाकार छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, महापुरुषों की विचारधारा को जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका हौसला टूट जाएगा। इसलिए सारी चीज को मैं सहता हूं। तो खैर, अब तो हम करोड़ों में हमारी संख्या है समझने वाले मानने वाले, बाबा साहब तो अकेले लड़ रहे थे लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं तोड़ा।
सर आप आए और इस जो प्रश्न जिसने भी किया होगा उनको भी समझ में आ गया होगा, और जो लोग सुनेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि राजकुमार यादव जी हैं क्या और किस लिए जीवन अपना जी रहे हैं। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सादर जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद।